थैंक यू मैम. आपने ऑपरेशन मैनेजमेंट में 83 मार्क्स स्कोर किया और हम सबका नाम रोशन किया. थैंक यू. हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं जस्ट फॉर कि ये जानने के लिए कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी जो आपने फॉलो किया जिसकी वजह से आपके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं. और मैं चाहती हूँ कि आप अब जो स्टूडेंट OMSM का एग्जाम देने वाले हैं या ऑडिट का एग्जाम देने वाले हैं, आप उनको ऐसा कोई प्लान, कोई स्ट्रैटेजी बताना चाहेंगी जिसके वजह से वो भी आपकी जैसे ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें? OMSM में जो नोट्स वगैरह थे मैंने बहुत सारे रिवाइज किए थे, क्लास के बाद घर जाके भी नोट्स किए थे, एंड उसके बाद फिर मैंने मॉड्यूल भी रीड किया था. जो जनरली स्टूडेंट्स मॉड्यूल जो है वो नहीं करते हैं, बट मैंने मॉड्यूल भी रीड किया था, तो उसमें से भी थ्योरी क्वेश्चंस वगैरह बन जाते हैं क्योंकि OMSM का एग्जाम मिक्स आता है. वो 100% नई थ्योरी होता है, नई 100% प्रैक्टिकल होता है. तो मॉड्यूल एंड जो नोट्स थे वो सारे के सारे प्रॉपरली टाइम पे रिवाइज किए थे. एंड सेम गोज विद ऑडिट. ऑडिट के भी जो भी नोट्स थे क्लास में जो भी कुछ हुआ वो सब रिवाइज किया था एंड मॉड्यूल रीड किया था. ओके. सो एक जो मिथ है हमारी मार्केट में, CMA मार्केट में, कि जो ऑपरेशन मैनेजमेंट सब्जेक्ट है वो बेसिकली न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन है, उसमें थ्योरी का कोई रोल नहीं है. क्या ये मिथ, मतलब मिथ ये सच्चाई है या फिर झूठ है? ये बिल्कुल सच नहीं है. इसमें बहुत, मतलब मोर देन हाफ थ्योरी ही रहती है. ओके. हाँ, एंड प्रैक्टिकल हाँ होता है, मतलब इट इज इम्पोर्टेंट बट नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट कि आप थ्योरी मिस कर लो. वो क्रैक ही, मतलब 40 भी बहुत ही मुश्किल से आ पाएंगे अगर सिर्फ प्रैक्टिकल करके जाएंगे तो. अच्छा, थ्योरी तो मतलब, आती है. ओके. तो इट मींस ये कि अगर हम सिर्फ प्रैक्टिकल पर फोकस करें और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके जाएं तो क्या हम एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. थ्योरी भी इक्वली इम्पोर्टेंट है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके जो 83 मार्क्स हैं, बेसिकली इट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूमेरिकल. यस, इट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूमेरिकल, बिकॉज एक क्वेश्चन तो हमेशा शॉर्ट नोट का 50 मार्क्स का वो रहता ही है. तो बेसिकली इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स. अगर आप सिर्फ न्यूमेरिकल करते हो तो भी आप क्लियर नहीं करोगे, और अगर आप सिर्फ प्रैक्टिकल करो तो, आई मीन सिर्फ थ्योरी करो तो नहीं. वो पैटर्न जो है वो हमेशा चेंज होता रहता है, तो मिक्स एंड मैच पैटर्न आता है, तो बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट. बोथ आर इक्वली बोथ आर इक्वली. ओके फाइन. सो आपने कौन से नोट्स रेफर किए थे? जो नोट्स आपने क्लास में बनवाए थे क्लास नोट्स ही रेफर किए थे. क्लास नोट्स ही घर जाके रिवाइज किए थे. क्लास नोट्स ही पहले पूरा रीड किया था, बिकॉज स्टार्ट ही मॉड्यूल से नहीं हो सकता. पहले क्लास नोट्स रेफर किए थे, उसके बाद फिर मॉड्यूल रीड किया था, तो वो ऑलमोस्ट सेम ही था. ओके ओके, ठीक है ठीक है. तो विश्मिता, मतलब आप ये कहना चाह रही है कि आपका ये जो प्रोसेस है, जिस जो 83 मार्क्स आपको स्कोर करवाया जिसने, वो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ स्टडी मैट, क्लास नोट्स एंड योर पर्सनल डेफिनेटली हार्डवर्क ऑल्सो. सो विश्मिता, एक क्वेश्चन और है मेरा, क्या आप प्लीज अपनी स्ट्रैटेजी बताएंगी कि आपने किस तरह से स्टार्ट किया था, कितना टाइम दिया था, आप SM और OM को किस पोर्शन में डिवाइड किया था आपने ऑडिट के लिए? जैसे कि हम सुनते हैं ऑडिट जो है वो उसका बेसिकली जो सब्जेक्ट है वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का कॉम्बिनेशन है. तो बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कर लेंगे, ऑडिट को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे. तो क्या आपने डेफिनेटली ऐसा नहीं किया, क्योंकि आपने पहले बता दिया हमको, तो क्या यहाँ पे ऐसा कुछ आपने फॉलो किया था, किस तरह से आपकी स्ट्रैटेजी थी? बेसिकली मैं ये जानना चाहती हूँ. कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट जो है वो बाइफरकेट भी इंस्टीट्यूट ने 50-50 मार्क्स का किया है. अब वो 50 मार्क्स के अकाउंट्स में वो पूरे 100 मार्क्स की ही स्टडीज होती है. अब वो इतना बड़ा कोर्स और उसके बाद भी 50 में से एग्जैक्ट क्वेश्चन वहीं से नहीं उठ के आते, तो वो 50 में से भी आप उतने अच्छे क्रैक कर लो वो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. तो ऑडिट को भी पूरे 50 मार्क्स दिए हैं, तो इक्वली ही इम्पोर्टेंट है करना, वो भी है. ओके. तो ऑडिट जो है बेसिकली हमारा दो पार्ट में डिवाइड है, एक हमारा बेसिक है और एक हमारा कंपनी अकाउंट, कंपनी ऑडिट का पार्ट है. तो जो कंपनी वाला है वो उसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस बने थे, आपको कुछ याद है? इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट के क्वेश्चंस थे, देन अपॉइंटमेंट के थे, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के थे, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक में डिफरेंशिएशन था. ओके, यानी बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चंस बने थे, मतलब जो हम सोचते हैं कि हम छोड़ सकते हैं. हाँ एग्जैक्टली, क्वेश्चन वहां से बने थे. ओके, क्योंकि सबसे ज्यादा मतलब खुद को भी डिफरेंशिएशन लर्न करने में एंड खुद को भी डिफरेंशिएट करने में ज्यादा समझ नहीं आता था इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक वगैरह. हाँ, हाँ, जब वो पूरा पूरा पढ़ लेते हैं तो वो एकदम एंड में टॉपिक दिए तो लगता है कि ये स्किप कर देते हैं, बट वो आया उसी में से. बेसिकली ऐसा ही होता है, हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो यही चीज फॉलो करता है, जो चीज हम स्किप करते हैं ये सोच के कि शायद ये नहीं आएगा और वही पेपर में आ जाता है. तो अल्टीमेटली आपने हमें अपनी स्ट्रेटजी शेयर की, थैंक यू सो मच फॉर दैट. मैं चाहती हूँ कि आप जो बच्चे आने वाले हमारे अटेम्प्ट में क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने वाले हैं उनको ये गाइड कर दें थोड़ा सा कि क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है और कहाँ से पिक करना है, या फिर कौन सा ऐसा बेसिक, हमारे जो दोनों ही सब्जेक्ट दो दो पार्ट्स में डिवाइड है, तो किस टॉपिक को या किस पार्ट को पहले स्टार्ट करना चाहिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाए.
जो 15 मिनट्स रीडिंग के मिलते हैं, सबसे पहले फोकस ऑन ऑल दोस क्वेश्चंस एंड मार्क दोस क्वेश्चंस विद पेंसिल्स जो आपको आते हैं. जब आप वो चीज एनालाइज कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको एसएम ज्यादा आता है या ओएम ज्यादा आता है. इफ यू थिंक कि आपको एसएम का पूरा पेपर आता है देन गो फॉर एसएम फर्स्ट, बिकॉज स्टार्ट उसी से करो जिसमें हाँ. पूरा कॉन्फिडेंस हो एंड देन यू कैन राइट ऑल्सो वेरी नाइसली. फिर उसके बाद में जाके जो जो आपको क्वेश्चन आते जाते हैं उसी ऑर्डर में करो. ओके फाइन. सो विश्मिता बेसिकली आपने जिसे हमें बताया कि आपको क्लास नोट्स से बहुत हेल्प मिली. बहुत हेल्प मिली. तो अगर मैं क्लास नोट्स ना रेफर करूँ बीइंग अ स्टूडेंट, पहले मैं मॉड्यूल उठा लूँ, जो कि हमें पता है कि मॉड्यूल को रेफरेंस देनी है हमें, तो क्या हम उस चीजों को समझ पाएंगे? नहीं, मॉड्यूल में बहुत ही लैंग्वेज बहुत ही प्रिसाइज होती है एंड चीजें कई कई टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ही इजीली एक्सप्लेन होते हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं, बट हर टॉपिक मॉड्यूल में उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है. तो क्लास नोट्स से वो हर चीज बहुत ही इजी वे में आप पहले अंडरस्टैंड कर सकते, उसके बाद मॉड्यूल में देख सकते हैं, रेफर कर सकते. ओके ओके, थैंक यू सो मच विश्मिता टू शेयर योर एक्सपीरियंस एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर. थैंक यू सो मच.